पीछे गाड़ी है, ठीक है आगे ले लो, फिर मिलते। और गाइस ये देखो बॉर्डर बांग्लादेश का, मतलब बीएसएफ कैंप है ये, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बॉर्डर, हमारे बहुत नज़दीक है बॉर्डर यहाँ से, इतना ही, कितना अराउंड हाफ किलोमीटर इतना ही होगा, मुश्किल से मुश्किल। ये जो रोड जाती है ना, ये बॉर्डर लाइन है, इस तरफ से जाने का बाद आपको थोड़ा सामने जाके बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश का। यार अभी इस जगह पर आए ना, मेरा एक मैं फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप ये गेस करो आप ये जगह कौन सी है। मामू मैं आपको मेंशन करके बताता हूँ, आप गेस करो ये कौन सी जगह है। मुझे लग रहा है कि आपका घर का नीचे में आ गया, आप गेस करो ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह है। सो गाइस अभी चाय पीने का प्लान हो गया, कोई जाने का रेडी नहीं है, मैं बोला अकेला चाय पी के आते, चलो गाइस क्या कर सकते हैं अभी। ओए इसकी माँ का से, यार क्या कर रहे हो यार, ऐसी जगह गाड़ी को ब्रेक मारा यार, अभी क्या कर सकते हैं यार, अचानक ब्रेक मारा, ड्राइवर ने भी बोला राइट में जाना है और इधर दो ऑटो रिक्शा वाला लफड़ा कर रहे थे, तो बाय 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 बाय, हम अकेले चाय पीने जा रहे ब्रो, वीडियो देख के बाद में कमेंट करना, अभी मत कमेंट करना, क्योंकि हम तो जा रहे आप लोग को सबको सामने छोड़ के, हम तो चाय पीने ही जा रहे ब्रो, क्या कर सकते, चाय लवर रहे ना हम। आप गाड़ी चला के लगेगा गाइस कि आज ईद है यार, पहले इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इतना स्लो स्लो गाड़ी चला रहे थे, इन लोग को बोला था मैंने पहले कि थोड़ा सा स्लो चलाना, लेकिन इन लोग ने इतना स्लो चला रहे थे कि यार मतलब बोर होने लग गया था, और बोला था कि चाय पीने चलते यार, कोई भी जाने के लिए रेडी नहीं है। फिर मैंने और मेरा पीछे वाले क्या बोले कि चलो निकलते यार, हम चाय पी के आते, मज़ा भी आएगा, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग राइड भी हो जाएगा यार। अब सामने जाके हाईवे भी मिलेगा और थोड़ा मज़ा भी आएगा। ईद का दिन है यार गाइस, तो थोड़ा तो एंजॉय बनता है यार। हम चाय पीने चलेंगे, चल पड़े। इधर हम आ गए तो इधर पुलिस का भी थोड़ा सा डर है, तो किसी को पूछना पड़ेगा यार इधर पुलिस है कि नहीं सामने, अगर पुलिस हो गया तो फिर हमारे पीछे वाले के पास हेलमेट नहीं है तो फिर पकड़ सकते हैं यार उसके लिए, मेरा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक का हेलमेट नहीं है फिर पकड़ने का बाद फिर तो लफड़ा हो जाएगा यार। सो अभी हम लोग हाईवे पर चढ़ गए और यहाँ से आएगा अभी मज़ा। वाह 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 वाह, खतरा है खतरा है ब्रो, खतरा है खतरा। ओ नो आई थिंक शायद पुलिस है सामने ब्रो, नहीं नहीं बच गए यार, यहाँ पे सामने पुलिस रहती है, मेरे तो ये लोग खड़े हैं इसके लिए मेरे को लगा कि सामने पुलिस हो सकती है यार। गाइस आज मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जितने भी राइडर्स मतलब आज निकले हैं ना, आई थिंक यार ये सब के सब टपूरी है यार, मैं तो यार क्या बोल सकते यार उसके बारे में यार, लेकिन किसी के पास हेलमेट नहीं है, ये बहुत बुरी बात है यार, हेलमेट लेके आज, हाँ माना कि मैंने आज ईद का दिन है यार, इन्जॉय करो यार राइडिंग पे निकलो, लेकिन हेलमेट लेकर निकलना चाहिए। जितने भी मैंने जाते हुए आते हुए बाइक्स देखे यार, किसी के पास भी हेलमेट नहीं है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है यार गाइज, प्लीज़ आप लोग हेलमेट पहन के राइड किया करें यार, आप लोग का सेफ्टी है यार। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, बोला पहले मोमो खा लेते, और हमारा मोमो भी आ गया, इंजॉय बाय 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 नो कुछ बोल दो आप लोग को, जो मैं दूध को बोल रहा हूँ आप लोग निकल गए ना, आप लोग का तो नुकसान हो गया, आना चाहिए था कोई पुलिस पुलिस नहीं आज। तो गाइस अभी मोमोज खा के ख़त्म करके हम लोग चाय पीने के लिए आ गए, और यहाँ का भाई कुछ अलग ही आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस चेक दिस आउट, यहाँ का ईद का माहौल, वाइब है,
पूरा एकदम इधर ही लग रहा है कि पूरा ईद है। और हम लोग यहाँ पे राजस्थानी होटल्स पे आए चाय पीने के लिए। रुको यार, कुछ भी नहीं है, ये पूरा आप देख सकते हो। सो चाय पी के ख़त्म हो गया और यहाँ का माहौल देख रहे हो, पूरा एकदम क्राउड है, ईद का माहौल पूरा वाइब है। और निकलते हैं धीरे धीरे घर की तरफ। मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओ शिट गाइस, अभी जस्ट हम लोग ने ट्रेन देखा था, अगर बैरिकेड में फंस गया तो यार प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके पहले बैरिकेड में फंसने के पहले हम लोग निकल जाते यार, पता नहीं यार कभी भी ट्रेन आ सकती है, क्योंकि हम लोग पीछे अभी जस्ट देखे थे ट्रेन आ रहा था। कोई मुझे चाय पानी ला के दे और मैं ऐसे गाड़ी छोड़ दूँ और गाड़ी चलता रहे और मज़ा आएगा यार, और मैं ऐसे ही बैठ के मतलब खाते पीते रहो यार, तो फिर तो कितना ही मज़ा आएगा ना। मैं अरे यार ये खुशी कहाँ मिलेगा हमको, हमारा नसीब में ऐसा खुशी नहीं है गाइस। हाँ कोई हमें भी बता लो, हम कौन सा आतंकवादी है यार, कितना हमारा नसीब में कहाँ यार ये सब। हम तो ऐसा लगता है कि देश में जैसे आतंकवादी जैसे ऐसे ही फीलिंग आती है हमको, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है। तो हम पहुंच गए नीलम बाज़ार, और कितना टाइम में हम पहुंचे होंगे, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगा होगा हमको चिरागी से यहाँ तक आने में, वो भी कम शायद, हाँ 5 मिनट लग जाएगा, हाँ 5 मिनट हो सकता है। ओ नो, ये देखो ये क्या आ रहा है सामने से, अबे यार ये क्या आ रहा है, अरे भाई ये सब गाड़ी लेके इधर गुस्सा मत करो ना यार।